अभी निकाल धीरे से, नहीं लगेगा अब एक गाड़ी तो निकल जाएगा, बाकी गाड़ी कहाँ छोड़ेगा। अरे भाई धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ना, एक्सेस तो करना पड़ेगा। हेलो गाइस वेलकम बैक। मैंने क्या पढ़ी, मैंने कैसे ऊपर रखी, कुछ पढ़ा, कुछ गिर गया आपका, कुछ जो नजर अपने कारा से भी कंपेयर देखा ना। ओके ओके, आई एम इंडियन यार, डोंट वरी, मेरठ से हूँ। मेरठ से भाई का कुछ गिर गया, प्रकाश भाई को दिखा अचानक से। हम तो क्या ब्लॉगिंग में थोड़े बिजी थे, रुकावट के लिए खेद है। तो रुकावट के लिए खेद है। तो अभी हम जाने वाले मनाली, अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मनाली से आगे हमको कहाँ जाना है, सचपास की तरफ जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि बंटी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो इसकी वजह से अगर इसकी तबीयत दुरुस्त हो गई तो फिर हम चलेंगे जहाँ का हमने सचपास का तय किया है, अगर दुरुस्त नहीं हुई तो फिर यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा। रीजन ये है कि खराब तबीयत में ये सफर करना बेहतर नहीं रहेगा, पहले स्वास्थ्य, इसके बाद में जो बाकी जो एडवेंचर ट्रिप वगैरह जो भी करना है वो सही रहेगा। डेंजर है यार, ये एंगर के साथ और बैंगर एक रेजर, इमोशनल फूड रेस में गिर गया वो लूजर, कूलर के साथ आई कूल ही से स्टोनर, बंदा में मस्त और साउंड मेरा लेजर, जो करते थे स्पाय मेरे आज लेबर, तो मेरे साथ मेरे। ये देखो अपने कैंप आ गए, अब इनको बाय बाय करते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं। अब तो पुलिस चौकी है, चेक पोस्ट है। कल से ताला मारा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कल से ताला ही है ना। हम पूछने के लिए आए थे कि भाई कहाँ पे हैं, वो चंदर ताल कहाँ है, टेंट कहाँ मिलेंगे, ये वो सब पूछने आए थे, लेकिन उन्होंने कोई था नहीं तो जॉब पंच कहाँ से देंगे। गड्डी तो बॉर्डर हूँ तू चुक, मैनु दे दे थोड़ा प्यार, तू तो वोटी किसी और दी, आज होनी मेरी, तेनु कॉलेज भी घुमाना, तेनु पैरिस भी घुमाना, अरे सॉरी ऊप्स, तू तो किसी और की, ये मेरा ना इलाका जहाँ पे दूसरे डाले डाका, ये मेरा ना इरादा, असी हॉट मुंडे आ, बिकॉज़ वी आर बॉयज, अपनी कैसी वॉलिटी में, कॉल पे तू रहना जब भी भाई भारी सीन है, हॉल पे तू रहना जब भी भाई बिजनेस मीटिंग, फकड़ कुछ ना करना भाई, ये तो मेरा सीन है, ताबर तोड़ के भी आगे हम भी सारे तोपे, तेरे हाथ में लाइटर तो भाई हम ही डोपे, कैच अ फीलिंग राइडर, ट्रिपी बाइक की शौक है, गाड़ी के तेल के ना पैसे फिट। वो जो आगे थार वाला आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम करके देख लीजिए, तो उनको इतनी जल्दी है जाने की, इतनी जल्दी, इतने हॉर्न बजा रहे हैं, एक तो साइड नहीं, एक सामने वाला एक पिकअप वाला है वो एकदम एज पे खड़ा है। जनता मेरे साथ, तुसी लोग का ना पता कि मैं चंगा मेरे साथ, मेरे यार ना असली वाला कंगा, मेरे जेन में जो खून सारे चंद मेरा रूप, ये दुनिया है। अपने भाई गाड़ी को प्रेम करने वाले लोग हैं, और ये तो क्या है, थार है भाई, उसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो, सब कुछ देखो, वो फुल्ली ऑफ रोड कर सकती है, बराबर कैसा भी पेच हो उसमें कर सकती है, और उसकी मतलब एक्सयूवी के पीछे आके तुम हॉर्न बजा रहे हो हाईवे पे, आके बताओ तुम, आगे होके बताओ तो मानू कि तुम थार वाले हो। एंगर एक रेजर, इमोशनल फूड रेस में गिर गया वो लूजर, कूलर के साथ आई कूल ही से स्टोनर, बंदा मैं मस्त और साउंड मेरा लेजर, जो करते थे स्पाय मेरे आज लेबर, तू मेरे साथ मेरे बेड फ्रंट डेस्क पे, नोट छपा मेरा नाम वो भी प्रिंट प्रिंट प्रेस पे, खेला मैंने पंजा वो भी क्रंच प्रेस पे, बच्चे पूछे मेरा नाम वो भी लंच ब्रेक पे। भाई सबको साथ लेके चलना पड़ता है, पासेस देने पड़ते हैं, रुकना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, अटक जाएंगे बीच में, ईगो बिल्कुल काम नहीं लगता यहाँ पे, समझ गए ना। सामने से और दो गाड़ी आ रही है तो उनके लिए भी यहाँ पे ही रुकते हैं, तीन है, एक और आ रहा है, वो निकल पा रहा है, वो निकल के तू क्यों निकल पा रहा है।
हॉल पे तू रहना जब भी भाई बिजनेस मीटिंग फॉरगॉट कुछ ना करना भाई ये तो मेरा सीन है तबर तोड़ के भी आगे। ये पेज बहुत ही खराब है तो सही बात है भाई इनका क्या रोज का काम है मेरा तो रोज का काम है पेंशन नहीं लेना सर मोदी जी के लिए सही बात है ये बोल रहे हैं हम डिस्कनेक्टेड है पूरे मतलब हमको दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है सही बात है यहाँ पे हर कोई डिस्कनेक्टेड रहता है यहाँ तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ यहाँ पे जो मोबाइल रखते हैं मतलब लड़कों के पास मोबाइल रहते हैं जो काम करते हैं उनको मोबाइल क्या काम किया नेटवर्क जीरो है अभी आईफोन से OnePlus में स्विच करना पड़ा बोलते बोलते उसका टेम्परेचर हाई हो गया यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनके लिए एंटरटेनमेंट तो बहुत दूर की बात है कुछ नहीं मिलता है क्या है ना फोन ना टीवी ना कुछ नहीं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड बड़े गड्ढे और उसके साथ साथ में एकदम नैरो रोड्स पासेस की भी बहुत कम जगह बहुत जगह तो ऐसा होता है कि एकदम एज पे पासेस देना पड़ता है सामने वालों को भी और आपके आपको भी और बहुत सारे इतने यहाँ पे ड्राइवर बहुत सारे लोग इतने मतलब ऐसे रहते हैं रूड होते हैं आपको कहते हैं नहीं नहीं उधर खिसका दो उधर के दो मतलब आपको पूरे खाई में गिराने के फिराक में रहते हैं ऐसा नहीं सोचते अपने हम तो क्या सामने वाले की सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं भाई खड़े रह जाते हैं उनको तो ऐसा है वो सामने वाला रहेगा उसको रहना है तो हमको क्या हम तो चलते ही जाते हैं सामने पहाड़ देखो कितने खूबसूरत लगते हैं बहुत ही मजेदार और इसके नीचे रिवर कौन सी वो पता नहीं है भाई गूगल करके भी नहीं देख सकते क्योंकि गूगल यहाँ पे आता है मतलब नेट ही नहीं है कुछ नहीं है गूगल का कोई रिश्ता नहीं है रिश्ता नहीं फोन पेपर वेट बने हुए हैं बाकी कुछ काम के नहीं है और हमारे बंडी भाई की क्या है कि तबीयत बहुत खराब हो गई दो तीन दिन से एक्चुअल में बीमार है लेकिन कल थोड़ी ज्यादा खराब हो गई दस उल्टी फीवर सब चालू हो गए देखते हैं मनाली जाकर डिसाइड करते हैं दुरुस्त हो पाते हैं दुरुस्त होंगे वहाँ से कुछ आगे की तरफ बनाएंगे मजे तो जरूर करवाएंगे इसलिए बने रहिए डटे रहिए बंदा में मस्त और साउंड मेरा लेजर जो करते थे स्पाय मेरे आजल लेबर भाई जो खतरनाक पेज था वो तो हमने पार कर लिया है और ये जो मतलब चंद्रताल वाला रास्ता उससे हम निकलने ही वाले जस्ट क्योंकि गेट है वो आ ही गया निकल गए नहीं निकलने वाले हैं अभी तक थोड़ा सा बाकी है ये देखो शुरुआत में ही मतलब ये बोलने ही नहीं देते यार शुरुआत में ही देखो ये आ गया पेच यहाँ से आपकी गाड़ी टच कर गई तो आपके हौसले पस्त हो जाते हैं मनाली में नहीं चलो मनाली की तरफ चलते हैं अब आगे का रास्ता कैसे होगा अभी जो रोड था वो भी ठीक ठाक था अच्छा था लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पासेस देने की बहुत जगह कम थी धीरे 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 इनके जेब में ना है पैसे तो फिर बारे ठीक है पहले हैसियत तो जान उसके डील क्लोज करना तो भाई डीलर भी है अगर मील क्लोज करना तो भाई फ्रीजर भी है यहाँ पे चाइनीज माल ज्यादा लेकिन मेड इन चाइना भाई तू दूसरे को बना ये बचपन की गेम है ओए जनता मेरे साथ तुसी लोग का ना पता कि मैं चंगा मेरे साथ मेरे यार ना असली वाला कंगा मेरे जहन में जो खून सारे चांद मेरा रूप ये दुनिया है उतरा दे ये हो के वो जोन बम है जो ना होगा बेबी ये साले यार इनको पता नहीं है पीछे गाड़ी आती है कि नहीं
आकाश भाई तो इतने फनी आदमी है कि आप पूछो ही मत। अब इस बोलेरो वाला कह रहा है कि आपकी गाड़ी साइड से निकल जाएगी, तो प्रकाश भाई ने क्या जवाब दिया बताए? एक काम करिए, आप हमारी गाड़ी बैठ जाइए और निकाल के बताइए। बाइक के साथ में जगह ऐसे करते करते आए पूरे जहाँ से मत समझ गए। आपके सामने कितनी गाड़ियाँ निकाली हमने, हम सपोर्ट बहुत निकल के आया। ऊपर है, खड़ा रहे पहले, खड़ा रहे उधर से, खड़ा रहे। हाँ साले ऊपर आते रहते। ओके भाई जगह से आज वो भाई भी क्या जगह नहीं पीछे जगह नहीं। अक्कल आनी चाहिए इनको, पता नहीं चलता सामने दिख रही गाड़ी मेरी गाड़ी नीचे उतरी, उनको सामने जगह भी है पर खड़ी रखते ही नहीं है। हमें जगह है वो टर्निंग ऊपर, तुम पीछे करो, तुम पीछे करो, क्या पीछे करे खड़ी हो गई। खड़ा रहे, शांति रखना। खड़ा रहे भाई, भाई खड़ा रहे, स्पेस चाहिए मेरे को। रुको दो मिनट, माली दबाओ उसका के बाद जरा भी क्या है तो खड़ो है। खड़ी भी नहीं रखते भाई, अपने को स्पेस देते ही नहीं है। अपना नियरिस दबाओ, नियरिस दबाओ, नियरिस दबाओ, नियरिस दबाओ। हां बताओ, यानी मासो दबा दिया पापा। बराबर ओके और थोड़ी मोरे ले, मोरे ने बड़ा जेल सड़ा भी आगे यही सड़ा जेल। से मैं उठा, मैंने सामने देखी लाश, आशीर्वाद की दुनिया में सब दिखता कोई नहीं साफ। वो पत्थर हटा दिया काका, वो पत्थर हटा दियो, ले लो वो पिलो जो मोटा पड़ गया। वो नीचे ना आना के बा, अभी निकाल धीरे से, नहीं लगेगा। अब एक गाड़ी तू निकल, बड़ी गाड़ी कहां छोड़ेगा? अरे भाई धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ए प्रकाश, प्रकाश, ए प्रकाश, ए खड़ा रे।
धीरे 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 खोल भाई बरोबर आहे नाही का बोलतो सोडी काय आहे की हटावे गाडी पाजी पलटे मारते बंटी काय तुम्ही मोडो भाई बंटी मैं गाल दे मोडो ते तमन लागे मर बम करावे અક્કલ જોઈએ એમ જો અક્કલ હતી કે હાર મનગન ઉડાડ ઉતાર દેતો ખબર જોલા ખાતી હોય ગાડી પણ तुम समझते नहीं क्या बिट्टू मम्मी के ए समझदारी की बात मत कर तू समझदार तू खड़ा हो जाना था ना हम कितनी गाड़ी का पास देखा है एमके हां तुम कितनी गाड़ी को देखा हम क्या करें नहीं सालों को इतनों को अक्कल होनी चाहिए पूरी गाड़ी मतलब अपनी गाड़ी पे आ रही है अभी जब पास दे रहे थे मतलब उसको क्रॉस करे पूरी गाड़ी अपनी गाड़ी के पास में आ रही है तो इतना अक्कल ने घुस में जितने बैल बिठाए हुए थे सब बैल उतर जाते बराबर इतना नहीं चल सकते थे क्या भाई अनबैलेंस हो जाएगी अगर कुछ भी हो गया तो हो जाएगा बड़ा हाँ मर जाएंगे फालतू के नहीं उनको उतरना ही नहीं उनके पैरों में मेहंदी लगी हुई है सालों के उनको क्या अपनी गाड़ी एज पे करवानी थी उनको सेफ निकलना था समझ गए पहला गाड़ी वाला क्या तुम सेफ साइड तुम रहो ये लंगोरे साले फीलिंग राइडर ट्रिपी बाइक शौक है गाड़ी के तेल के ना पैसे फिर तेल ठीक है इनके जेब में ना है पैसे तो फिर बारी ठीक है।